यूएस सबसे पहली बार कर सकती है अपने डेट में डिफॉल्ट, कैसे रहे हैं हमारे इन्फ्लेशन डाटा एंड मार्केट्स जाएंगी कहां पर, बहुत कुछ है आज डिस्कस करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन डाटा के बारे में जो कि रिलीज हो चुका है, जो अराउंड एक्सपेक्टेशन ही आया है, अराउंड 4.9% आया, एक्सपेक्टेशन 5% की थी, बहुत ही माइल्डली कम आया है, पर मार्केट ने इसको भी बहुत अच्छे से लिया है एंड आज यूएस मार्केट्स राइज्ड अप है, ऑलमोस्ट S&P 500 ऑलमोस्ट 0.4% अप है, पर नैसडेक ने आज बहुत अच्छी रैली दिखाई है, 1.1% अप है नैसडेक, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था हाई ग्रोथ सेक्टर्स को जो मेनली नैसडेक में हमें देखने को मिलते हैं, तो उसका अप होना मार्केट्स के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है, कहीं ना कहीं इंडिया को भी उसका फ़ायदा मिल सकता है, इंडिया के जो हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं उनमें भी हम फंडिंग देख सकते हैं। डाउ जोन्स अगर देखा जाए तो मोर और लेस आज फ्लैट ही रहा है, कोई मेजर चेंजेस नहीं आए हैं, थोड़े कंजर्वेटिव रहता है डाउ जोन्स बेसिकली जो इंडेक्स है, तो वैल्यू इन्वेस्टर के तौर से आप डाउ जोन्स को जरूर देख सकते हैं, बट या ग्रोथ हमें डाउ जोन्स में कभी भी देखने को नहीं मिलती है, तो CPI इन्फ्लेशन डाटा के हिसाब से चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आती हैं। अगर थोड़ा और देखा जाए, मुझे लगता है जो मार्केट्स हैं थोड़ा ज़्यादा ही ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो रही हैं इन्फ्लेशन डाटा को लेकर, इतना भी एक्साइट होने की बात नहीं है, सिर्फ 0.1% का डाउनफॉल देखा गया है इसके अंदर, एंड स्टिल इन्फ्लेशन जो हमारा फेड है उसकी जो बेसिकली एक्सेप्टेबल रेंज है अराउंड 2%, उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, एंड जो कोर इन्फ्लेशन है वो अब भी 5.5% पर इंटैक्ट है, तो अभी मुझे लगता है कि कुछ और इन्फ्लेशन डाटा के पॉइंट्स लगेंगे इस बात को समझने के लिए कि इन्फ्लेशन आगे कैसे जा सकता है और इंटरेस्ट रेट्स की क्या स्थिति रहने वाली है, बट इस डाटा से भी ये देखा जाया है कि जो हमारी बेसिकली यील्ड्स है बॉन्ड्स पर वो कम हो गई है, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड्स पर यील्ड कम होने के कारण इक्विटीज़ में हमें पैसा आता ज़रूर दिखेगा। अगर बात करें जो अब है सबसे ज़्यादा मेजर कंसर्न, वो ये है कि US की डेट सीलिंग का क्या होगा, डेली जो बिडन मीटिंग्स कर रहे हैं अलग अलग कांग्रेस के लीडर्स के साथ एंड कोई भी नतीजा निकल के नहीं आ रहा है, सिर्फ 6 सेशंस, जी हाँ सिर्फ 6 सेशंस रहते हैं इस बात का फैसला होने के लिए कि US की डेट सीलिंग का आखिर क्या होने वाला है। अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो हिस्ट्री में पहली बार हम देखेंगे कि US से अपने बॉन्ड्स पर डिफॉल्ट कर देगा, ये बहुत ही सीरियस इशू है। सबसे पहले तो US का इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूरे के पूरे वर्ल्ड पर बहुत ज़्यादा रहता है, सेकेंड ऑफ ऑल US एक AAA रेटेड कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग उसकी बेसिकली AAA रेटेड है उस कंट्री की, तो अगर वो अपने डेट पर डिफ़ॉल्ट करता है तो एक बहुत बड़ा ब्लोबैक होने वाला है सारे के सारे इन्वेस्टर्स पर, इंटरनेशनल रिलेशंस पर, एक इंटरनेशनल इमेज पर बहुत ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट रह सकते हैं। इनफैक्ट आज जो बिडन ने एक अनाउंसमेंट भी करी थी कि अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तो बहुत कैटेस्ट्रॉफिक इम्पैक्ट हो सकते हैं पूरी ही दुनिया पर, सिर्फ USA के ऊपर नहीं, और मैं कहीं ना कहीं इस बात से सहमत करता हूँ कि अगर ये डिफ़ॉल्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो सकता है पूरे के पूरे ही वर्ल्ड के लिए, बट मार्केट्स इस चीज़ को फैक्टर इन नहीं कर रही है, चाहे सारे एनालिस्ट हों चाहे कोई भी रिपोर्टर हो, हर जगह से यही खबर आती है कि लेस देन 1% चांस है कि US डिफॉल्ट करेगा, बट जैसे 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 दिन बीत रहे हैं ये एक रियलिटी की तरफ बढ़ता दिख रहा है, तो मैं नहीं चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि इस मुद्दे की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि ये बहुत सीरियस टॉपिक हो सकता है अगर इन 6 सेशंस में इसका कोई रिजोल्यूशन नहीं निकलता, तो अभी तो दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ हैं, किसी भी एक न्यूट्रल ग्राउंड पर नहीं आ रही है, एंड मेन बात यह है कि मार्केट्स भी इसे फैक्टर इन करने के लिए तैयार नहीं है, तो डाउनफॉल आया तो एक बहुत ही शार्प डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। थोड़ा बात करते हैं कि मार्केट ओपनिंग के लिए मुझे क्या लगता है आज मार्केट ओपन कैसी हो सकती है, क्योंकि FIIs ने जी हाँ कल भी बाइंग करी थी ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की ही, एंड DIIs ने ऑलमोस्ट 700 करोड़ की सेलिंग करी थी। DIIs अब सेलिंग पर आ चुके हैं, दोनों ने अपने अपने रोल पकड़ लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ऐसा कभी नहीं चलेगा कि FIIs बाय कर रहे हैं और DIIs भी बाय कर रहे हैं, दोनों ही सेल कर रहे हैं, जर्नली एक ना एक पार्टी तो बाय करती ही है। DIIs जर्नली बाय करते हैं जब FIIs सेल कर रहे हो ताकि मार्केट स्टेबल रहे, और जब FIIs बाय करते हैं मार्केट्स मोमेंटम पकड़ती है तो DIIs सेल करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से बाइंग कर रखी होती है,
हैं तो उन्हें अब अपने प्रॉफिट्स मैनेज करने पड़ते हैं, उन्हें एग्जिट लेनी पड़ती है ताकि वो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स कर सके कहीं और। तो इस पॉइंट पर सारी चीज़ें अभी तक अच्छी नज़र आती हैं। तो FIIs बाइंग के कारण आज दिखा रहा है SGX निफ्टी ऑलमोस्ट 18,400 के पास की क्लोजिंग, बेसिकली ओपनिंग दिखा रहा है। तो बेसिकली 18,400 से अभी थोड़ा नीचे है, ऑलमोस्ट 18,395 पे है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे भी। पर एक बहुत ही फैंटेस्टिक ओपनिंग दिखा रहा है, इतना ज़्यादा गैप अप वो जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि सस्टेन होगा नहीं होगा। बिकॉज हाँ, मार्केट्स ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है ज़रूर US में, एंड इंडियन मार्केट्स भी थोड़ी लेथार्जिक रही हैं, बट इतना ज़्यादा गैप अप जर्नली मार्केट में सस्टेन नहीं हो पाता। एटलीस्ट इंट्राडे में ही सही वो गैप क्लोज होता ज़रूर है ज़्यादातर इवेंट्स में, बट हाँ क्योंकि इतनी लेथार्जिक परफॉर्मेंस रही है इतने टाइम से, तो हो सकता है ये गैप सस्टेन भी हो जाए। मैं उतना पैसिमिस्टिक इस टाइम पर नहीं हूँ उस गैप को लेकर अगर देखा जाए। थोड़ा सा बात करते हैं इंडियन मार्केट्स के बारे में, एंड अगर इंडियन मार्केट्स के बारे में हम थोड़ी बात करें तो एक पॉइंट ज़रूर हमें डिस्कस करना चाहिए इस टाइम पर कि PSU बैंक्स इतना ज्यादा नीचे क्यों गिर रहे हैं, क्या है कारण PSU बैंक्स के इतने ज्यादा नीचे गिरने का। तो सबसे मेजर जो रीजन निकल के आता है वो ये आता है कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी जो मैं परसों पढ़ रहा था, उस पर आज ज्यादा क्लेरिफिकेशन आया है, तो मैं इस बात को थोड़ा सा बेसिकली डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। एंड उसमें यह कहा गया है कि हमारे RBI की तरफ से कुछ ECL प्रोविजंस आए थे। बेसिकली ECL प्रोविजंस में एक्सपेक्टेड लॉस के अकॉर्डिंग आपको आपके प्रोविजंस करने होते हैं, तो उसके कारण जो हमारे स्टेट रन बैंक्स हैं, जो बेसिकली हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनको प्रोविजंस अपने बढ़ाने पड़ सकते हैं, जिसका उनके लोन पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है, अराउंड 4-5% तक भी इम्पैक्ट पड़ सकता है उनके लोन्स पर एंड उनकी नेटवर्थ तक। कुछ कुछ केसेस में तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कुछ कुछ बैंक्स के लिए उनकी नेटवर्थ पर 20% तक का इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो कि एक बहुत ही सीवियर कंडीशन हो सकती है। बट अब भी पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है रेगुलेटर्स द्वारा, तो ये बात क्लियर नहीं है कि टोटल इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। कुछ बैंक्स की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है जिसके कारण ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है उन पर उतना इम्पैक्ट ना पड़े जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट हाँ अगर एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सेलिंग आएगी तो सब में ही आएगी। कोई भी स्टॉक अपने सेक्टोरियल इम्पैक्ट से नहीं बच पाता है, मार्केट से एक सिनर्जी में मूव करती है। अगर कोई स्टॉक अच्छा है तो बस ये होगा कि जब वो सेक्टर ऊपर जा रहा होगा तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, अनलेस और अनटिल कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेक्टेक्युलर न्यूज़ हो, उसके बिना कोई भी स्टॉक सिंगुलरली मूव नहीं कर पाता। जैसे कि अगर ओवरऑल मार्केट्स डाउन है तो मेजरली सारे स्टॉक्स, मैक्सिमम स्टॉक्स हम देखेंगे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाते हैं। तो इसी वजह से PSU बैंक्स में थोड़ा सा एक फ्रिक्शन चल रहा है, एंड थोड़ा सा हमें अगर प्रोस्पेक्टिव चेंज करें तो हमें ये भी हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पिछले एक साल में PSU बैंक्स ने बहुत स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस दिखाई है, तो हम इसे एक नॉर्मल सेक्टोरियल रोटेशन की तरह भी देख सकते हैं, जो कि मार्केट्स के लिए एक बहुत ही हेल्दी इंडिकेशन है। बेसिकली मार्केट्स की हेल्थ अच्छी रहती है अगर टाइम टू टाइम करेक्शंस आते रहे, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा ही लंबे रन के बाद कोई करेक्शंस आएंगे तो वो बहुत ही सीवियर होंगे, लॉसेस बेसिकली लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे एंड बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा गंवा देंगे। खासकर रिटेल इन्वेस्टर एंड रिटेल ट्रेडर्स को खासकर दिक्कत आती है एकदम से इतने सडन मूव्स जब भी आते हैं मार्केट के अंदर, तो टाइम टू टाइम करेक्शन बहुत अच्छी है। तो ये तो हो गई हमारे PSU बैंक्स की बात, एंड फर्दर आज क्या एक्शन देखने को मिल सकता है जी, लार्सन एंड टर्बो के रिजल्ट्स आ चुके हैं, LNT के हमारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिन्होंने एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम दिखाए है अपनी इफेक्टिवनेस, तो हो सकता है वहाँ पे आज थोड़ी हमें माइल्ड सेलिंग देखने को मिले। वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कैसा करता है आज LNT भी बिहेव। थोड़ा सा जो और जो थोड़े माइल्डर कंसर्न्स हैं मार्केट के अंदर वो कुछ ये हैं, सब दो कंसर्न्स हैं जो मुझे लगता है मार्केट के अंदर। सबसे पहले तो है कि चाइना के अंदर अब कोविड की नई वेव देखी जा सकती है, ये उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल तो नहीं है जितनी पहले वाली वेव्स थी, बट मेजर कंसर्न ये है कि जो उनके ट्रेडिंग डेस्क हैं, जो उनके बैंकिंग सेक्टर हैं, उनके अंदर ये कोविड वायरस फैल रहा है, तो उसके कारण जो चाइना के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, किसी भी मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो इम्पैक्ट इंडिया तक आएगा ज़रूर, नेबरिंग कंट्री है हमारी। एंड उसके बाद सबसे मेजर बात ये, आज सारी मार्केट्स ये ग्लोबल मार्केट्स हैं, तो क्या उनकी मार्केट एंड क्या हमारी मार्केट, मार्केट अगर इंडिया की भी हिलती है तो वहाँ भी इम्पैक्ट पड़ता है। हर टाइप की मार्केट का आजकल हर टाइप की मार्केट
मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम एक ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में रह रहे हैं जी। अगर हम थोड़ा सा बात करें, जो मेरा सेकंड कंसर्न था वो था हमारा अडानी से। अडानी बेसिकली उसका FPO पहले लाना चाह रहा था एंड उसने फिर अपना FPO कि बेसिकली फाइन वो डील डिक्लाइन कर दी उसने, क्योंकि उसे लग रहा था कि भाई कुछ कंसर्न्स हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण, हम किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना चाहते। एंड अब जब स्टॉक्स इतने ज़्यादा डाउन हैं अडानी के, अब वापस से अपने बेसिकली स्टॉक सेल करके वापस फंडिंग की बातें चल रही हैं। 13 तारीख को होनी है अडानी ग्रुप की मीटिंग। ये मेरे को एक कंसर्न लगता है, क्योंकि अगर आप इतने लोअर वैल्यूएशन पे, जो आपको लगता है कि काफ़ी लोअर वैल्यूएशन है, आप उन पे भी अगर स्टॉक सेल कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको बाकी सोर्सेज से फंडिंग उठाने में काफी दिक्कत आ रही है, जो कि मुझे एक ट्रबलसम सिग्नल लगता है। बहुत से लोग होंगे जो हो सकता है मेरे से एग्री ना करें, बट पर्सनली मुझे एक ट्रबलसम सिंबल लगता है अडानी ग्रुप के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है लोगों को। एंड बेसिकली लोगों को, बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं उनके, उनको भी यही लगेगा कि इतने लोअर वैल्यूएशंस पर ये स्टेक क्यों सेल करा जा रहा है। इन्वेस्टर व्यू पॉइंट से भी मुझे एक अच्छी हरकत नहीं लगती है कंपनी द्वारा, बट हाँ डिपेंड करता है कि वो क्या प्राइस होगा जिस पे ये सेलिंग होगी। उससे हो सकता है कि थोड़ा सा मूड अपलिफ्ट भी हो जाए अगर काफ़ी हायर स्ट्राइक प्राइस पर ये सेलिंग बेसिकली अगर अडानी ग्रुप करने जाता है तो। थोड़ा सा और बात करें इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में, तो एक रिसेंट मैं स्टडी पढ़ रहा था एंड उसके अकॉर्डिंग ये आशा, ये बेसिकली जो डाउट था मुझे काफ़ी टाइम से था एंड अब वो कंफर्म होता दिख रहा है कि जो गवर्नमेंट का ONDC नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में डैमेज कर सकता है हमारे जोमेटो को और स्विगी के नेटवर्क्स को। इसके बारे में हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्विगी बेशक लिस्टेड ना हो, जोमेटो हमारी एक लिस्टेड कंपनी है, तो आने वाले टाइम में मैं को जरूर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रखना चाहूंगा कि क्या व्यू पॉइंट रहता है एंड ONDC कितना ही डैमेज कर पाता है हमारे जोमेटो के वैल्यूएशंस को, देखना बहुत जरूरी है। जोमेटो अभी अपने जो उनका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राइस था IPO के प्राइस से काफी ज्यादा डाउन है, बट स्टिल अब भी वैल्यूएशंस उतने ज़्यादा रीजनेबल नहीं है जितने कुछ लोग चाहेंगे कि वो रीजनेबल बने, तो अब भी थोड़े से कंसर्न है और उन चीज़ों की तरफ हमें ज़रूर अपना थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल अगर थोड़ा देखा जाए तो इनके प्राइसेज ONDC के अक्सर काफ़ी कम रहते हैं, क्योंकि ये कमीशंस चार्ज नहीं करते हैं किसी भी सेलर से। एंड अगर हम दूसरे फ्रंट पे देखें तो हमारा जो स्विगी है, जो हमारा जोमेटो है, वो 20-30% तक भी कमीशन चार्ज करता है। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, मेरी क्या रहेगी आज स्ट्रैटेजी, तो मेरी आज सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो ये है कि मैं टाटा मोटर्स में ट्रेड लेने वाला हूँ, एक ऑप्शन सेलिंग ट्रेड। अभी तक तो प्लान यही है, प्राइस मार्केट मूवमेंट पे क्या बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेड रहने वाली है, तो उस पर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली हैं कि प्राइस मार्केट मूवमेंट कैसा रहता है। इस पॉइंट पे मैं चाहता हूँ कि मेरी पोजीशंस लेने से पहले हमारा टाटा मोटर्स का प्राइस काफ़ी अच्छे तरीके से अपवर्ड साइड पर मूव कर जाए, क्योंकि मैं एक थोड़ी बेरिश पोजीशन लेने वाला हूँ कॉल ऑप्शन सेल करके। अगर बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता है तो मैं साथ में पुट ऑप्शंस भी सेल करूँगा कॉल ऑप्शंस के साथ, बट हाँ एक थोड़ा नेगेटिव बायस ही रखूँगा, कम्प्लीटली डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड मैं नहीं रखने वाला हूँ। इसके अलावा कोई फर्दर ट्रेड्स अभी आज के लिए नहीं है मेरे बेसिकली पोर्टफोलियो में, क्योंकि कर्नाटका इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो उन चीज़ों पर भी मैं थोड़ा कंसर्न हूँ। HDFC बैंक पर मेरी नज़रें ज़रूर रहेंगी, क्योंकि HDFC बैंक में मैंने ऑलरेडी ट्रेड्स ले रखी हैं जो कि अभी लॉसेज में है, कोटक महिंद्रा बैंक की ट्रेड्स प्रॉफिट में है, तो वो एक अच्छी बात है। जो मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहूँगा वो करना चाहूँगा एशियन पेंट्स को, क्योंकि जो एशियन पेंट्स है उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो हाउसिंग मार्केट है वो थोड़ा रिवाइव कर सकती है। इसके दो मैं बैंकिंग साइड पे क्यों नहीं जाना चाहता, उसका रीज़न यह है कि मुझे लगता है बैंक्स लोन को काफ़ी पुश कर रहे हैं हाउसिंग मार्केट में, तो जिन लोगों को लोन नहीं मिल रहे थे उन लोगों को भी लोन मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे क्रेडिट पे थोड़ा कंसर्न आता है, बट बुक्स बहुत हेल्दी हैं, वो क्रेडिट का कंसर्न आने में बहुत समय लग जाएगा, तो अगर कोई चाहे तो बैंक्स में भी ट्रेड ले सकता है, बट उसकी बजाय जो प्रॉक्सी ट्रेड है
हाउसिंग मार्केट में जो घर लेने के बाद जो आप चीज़ें करवाते हैं, चाहे वो पेंट हो चाहे वो फर्नीचर हो, मैं इन कंपनीज की तरफ थोड़ा ज़्यादा देखना चाहूँगा। ये थोड़ी सिक्लिकल भी कम होती हैं नेचर में एंड इनके मार्जिन भी ठीक रहते हैं, तो एशियन पेंट्स के रिजल्ट पर मेरी काफ़ी अच्छे से नज़रें रहेंगी। उससे काफ़ी हद तक मुझे अंदाज़ा लग सकता है कि हाउसिंग मार्केट की क्या स्थिति है एंड बेसिकली कमेंट्री से मैनेजमेंट की ये भी पता चल सकता है कि आगे क्या सिचुएशंस रह सकती हैं हाउसिंग मार्केट के अंदर। थोड़ा सा जो एक उतना इम्पॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है, बट ये है कर्नाटका इलेक्शंस के अब एग्जिट पोल्स आने लग गए हैं एंड एग्जिट पोल्स काफ़ी मिक्स्ड आए हैं। मेजॉरिटी पोजीशन अभी नहीं पता चल पा रही है कौन सी पार्टी की आएगी। बेसिकली लीडिंग में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही हैं, बट ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में मुझे कांग्रेस बीजेपी से थोड़ा आगे लगी। बीजेपी लास्ट इलेक्शन में रूलिंग पार्टी रही थी कर्नाटका की, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। कर्नाटका इलेक्शन से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इंडियन इक्विटीज़ पर। होप करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।